दिसंबर जनवरी की हाड़ कैंपाती ठंड हो, झमाझम बरसती वर्षा या उमस भरी गर्मी की रातें, हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरीह प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते, हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज सुनाई पड़ता है। हर महीने की पहली तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है, साहब जी पैसे कितने पैसे, वो पूछता है। साहब जी 1 रुपया रोज के हिसाब से महीने की 30 रुपये, आपको तो मालूम ही है। अच्छा एक बात बताओ बाबू, महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं? साहब जी यह पक्का नहीं है, कभी 60 घर से तो कभी 50। 30 त्योहारों पर बाकी घरों से भी कुछ न कुछ मिल ही जाता है, इतने में ठीक ठाक गुजारा हो जाता है हमारा। पर कॉलोनी में तो 100-125 से भी अधिक घर हैं, फिर इतने कम क्यों? तो फिर तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी करते हो या नहीं, उसने पूछा। हाँ साहब जी चौकसी करना तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं केवल पैसे के लिए काम नहीं करता, फिर उनकी चौकसी रखना तो और जरूरी हो जाता है। भगवान न करें यदि उनके घर चोरी वोरी की घटना हो जाए तो पुलिस तो फिर हमें ही पूछेगी ना, और वे भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि पैसे नहीं देते इसलिए चौकीदार ने चोरी करवा ली। ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। अच्छा ये बताओ रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? डर क्यों नहीं लगता साहब जी, दुनिया में जितने जिंदे जीव है सबको किसी न किसी से डर लगता है। बड़े आदमी को डर लगता है तो फिर हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। कई बार नशे पत्ते वाले और गुंडे बदमाशों से मारपीट भी हो जाती है, शरीर दिखने वाले लोगों से झिड़कियां और दुत्कार और दोस्त मिलना तो रोज की बात है।